हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। नो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट्स, जिनको कि हम स्पर्म्स बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो जिस ऑर्गन में प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि टेस्टिस। अब टेस्टिस में ये किस पार्ट में बनते हैं, that part is called seminiferous tubules. They are formed in the seminiferous tubules of the testes. We can see कि यहाँ पर ये जो structure हमें दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा, this is one seminiferous tubules. Tubule. ऐसे ही बहुत सारे seminiferous tubules होते हैं testes में, और यहाँ पर जो sperm है उनकी production होती है। अब इसकी जो सबसे बाहर वाली लाइनिंग होती है, दैट इज यू कैन सी हियर दीज क्यूबॉइडल सेल्स। यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल हैं, कुछ लंबे लंबे सेल्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम। इसमें क्यूबॉइडल सेल यानी कि क्यूब की शेप में, जो कि ऑलमोस्ट उनकी लेंथ और विड्थ ब्रेथ वगैरह बराबर होती है, क्यूब लाइक शेप होती है सेल की, उनको बोलते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स। और उसके अलावा कुछ यहाँ पर लंबे लंबे सेल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये वाला सेल है, इतना लंबे लंबे सेल हैं, दे आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स। ये दो तरह के सेल्स हमें जर्मिनल एपिथेलियम की सबसे बाहर वाली लेयर में दिखाई देते हैं। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर स्पर्मेटिड्स बनते हैं फ्रॉम अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स। अब ये जो जर्म सेल्स हैं, जैसे हमने अभी बात की कि ये क्यूबॉइडल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इनके ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, इनसे स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और फिर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स बनते हैं। अब जो स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्माटेलियोसिस, ये दो नाम इसको दिए जाते हैं। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे नहीं है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है कुछ, ये उसका ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ में कोई डिवीजन नहीं हो रही है, सॉरी स्पर्मेटिड में कोई डिवीजन नहीं हो रही है स्पर्मेटोजोआ बनने लगे, यहाँ सिर्फ उसमें जो है थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं उसके अंदर ऑर्गेनेल्स में। नाउ हाउ स्पर्मेटिड फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब हम इसमें पहला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं कि स्पर्मेटिड्स कैसे बनते हैं। इसमें तीन स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकेंड इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज मैच्यूरेशन फेज। नाउ जैसे नाम से पता लग रहा है मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्या होता है कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, जब सेक्शुअल मेच्योरिटी होती है यानी कि जब प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट होता है, तो जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स थे जिनमें अभी अपना फंक्शन एक्वायर नहीं किया था, प्राइमरी जर्म सेल्स, वो डिवाइड होके माइटोटिकली बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया इनसे बनते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो इसे मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम, ये सबसे बाहर की लेयर लेबल की हुई है, इससे अंदर यहाँ स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म होना शुरू हो गया। नाउ स्पर्मेटोगोनिया में, अब जो स्पर्मेटोगोनिया है, दे फॉर्म फर्दर स्पर्मेटोगोनिया। अब इसमें से कुछ सेल्स होते हैं जो कि एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, और कुछ स्पर्मेटोगोनिया है जो वो खुद डिवाइड हो जाते हैं और आगे जाके स्पर्म्स बनाते हैं। तो जो एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज टाइप ए, हमने उसको टाइप ए नाम दे दिया, और जो कि खुद स्पर्म्स बन जाते हैं डिवीजन हो होके, दे आर द टाइप बी। यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे उनमें से थोड़े से स्पर्मेटोगोनिया वही लेयर को मेंटेन रखेंगे और वो नए नए स्पर्मेटोगोनिया बनाते रहेंगे। तो जो नए स्पर्मेटोगोनिया बनते रहेंगे, दे विल गिव राइज टू स्पर्म्स। अब वो किस तरह से होते हैं, देन देयर इज अनदर फेज, दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। अब जो बी टाइप है, जो डिवाइड होकर स्पर्म बनेंगे, यानी कि कुछ एक स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनेंगे, वो क्या करते हैं, वो ग्रो होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है इंटू लार्ज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसमें जो सेल बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सेल से ग्रोथ होके ये ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। ये ग्रोथ कैसे होती है, बाय टेकिंग नरिशमेंट फ्रॉम द नर्स सेल्स। यहाँ पे नर्स सेल्स हैं, साथ में ये सर्टोली सेल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, इनको यहाँ से नरिशमेंट मिलती है और इससे ये ग्रो होके क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। That is why this phase is called as growth phase. Then third phase is maturation phase.
अब मैच्यूरेशन फेज में एक्चुअली स्पर्मेटोज हुआ, या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्पर्मेटिड्स हैं वो फॉर्म होते हैं। मैच्योरेशन डिवीजन, यहाँ ये हमने याद रखना है कि जहां मैच्योरेशन डिवीजन होगी वहां पर ही मियोसिस होगी। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल माइटोसिस हो रही थी और स्पर्मेटोगोनिया बन रहे थे। ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनिया में कोई डिवीजन नहीं हुई, दे जस्ट ग्रो एंड दे फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब मैच्योरेशन फेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें दो मैच्योरेशन डिवीजन होंगी। पहली डिवीजन हमें पता है रिडक्शनल होती है और प्राइमरी से बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज द मैच्योरेशन फेज, इसमें ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस वन से डिवाइड होके इट इज फॉर्मिंग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसके बाद इसमें भी मियोसिस हो जाती है, मियोसिस टू हो जाती है एंड दैट आर फॉर्मिंग स्पर्मेटिड। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर हम यहाँ देखें ये किस तरह का है और स्पर्मेटिड कैसा सेल है, तो इनमें कुछ चेंजेस आते हैं वो हमारी नेक्स्ट फेज में होते हैं जिसे हम स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्माटिलियोसिस कहते हैं। यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि वो चेंज हो जाते हैं और स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं फ्रॉम द चेंजिंग बाय द चेंजिंग फ्रॉम स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं, चेंजेस होते हैं विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब इसमें क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जब बाद में स्पर्म बन जाते हैं तो उनमें वो सर्टोली सेल में जो है वे दे इम्बेडेड, उसके अंदर उनका हेड पार्ट जो है वो उसके अंदर चला जाता है और फिर जब वो रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। लेकिन अभी स्पर्मेटोजोआ पूरी तरह बने नहीं है, हम जो अभी प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। अब डिफ्रेंशिएशन कैसे होती है स्पर्म की, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस कैसे होता है, यानी जो स्पर्मेटिड बना है हाउ दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। अब इसमें कौन से चेंजेस आते हैं, देखिए ये अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मैच्यूरेशन फेज में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये स्पर्मेटिड बन गया है। नाउ दीज आर दिस इज जस्ट एन स्फेरिकल सेल और स्पर्म जो है उसकी टेल भी है, हेड मिडल रीजन कई पार्ट्स हैं उसमें, तो ये स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज हुआ है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, जिसे हम कह रहे हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है। नाउ व्हाट आर द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस, सबसे पहले हम यहाँ देखें इसमें न्यूक्लियस में चेंज हो रहा है, यहाँ न्यूक्लियस जो है दैट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल और यहाँ धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है और यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो है इसकी शेप हमें इलोंगेटेड सी दिखाई दे रही है। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, स्पर्म के हेड के ऊपर यहाँ एक्रोसोम होता है जिसमें कुछ इंजाइम्स होते हैं जो कि जिनको हम स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं और ये मतलब जो है जो ओवम होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये उसके मेम्ब्रेन्स को जो है वो पियर्स करते हैं, ब्रेक करते हैं फॉर द एंट्री ऑफ द स्पर्म। नाउ व्हाट आर द चेंजेस विच टेक प्लेस इन सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होती हैं, दे कम टू लाई एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ हमें ये सेंट्रियोल्स दिखाई दे रही हैं, ये एक दूसरे के राइट एंगल पे आ जाती हैं। अगर हम इनमें चेंजेस देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसमें वन सेंट्रियोल लाइज एट द राइट एंगल टू अनदर, जैसे एक ये पैरेलल एक्सिस में है ऐसे स्पर्म है उसके पैरेलल है, इसको हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल, यहाँ पर ये लेबल की हुई है दिस इज द डिस्टल सेंट्रियोल। लेकिन दूसरी सेंट्रियोल इस तरह से इससे परपेंडिकुलर लाई करती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया है तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया एक माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल बना देता है, ये स्पाइरल फॉर्म में यहाँ स्पर्म के जो एक्सियल फिलामेंट है उसमें प्रेजेंट होता है। देन साइटोप्लाज्म रिड्यूस हो जाता है, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ स्पर्म में ये दिस इज द फुल फ्लेज स्पर्म, यहाँ पर हमें साइटोप्लाज्म नहीं दिखाई दे रहा ज्यादा, बिल्कुल कंडेंस्ड है जो कि उसकी लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आसपास ही है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे लंबे स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सटेंड हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, बट इन द केस ऑफ स्पर्म ये उसकी सारी बॉडी के ऊपर हमें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो कवर्ड होता है। सो ये यहाँ पर एक्सटेंड हो जाती है अराउंड द एक्रोसोम, न्यूक्लियस, मिडल पीस और जो मेन पोर्शन है एक्सियल फिलामेंट का सारे के अराउंड। एंड देयर इज वन अनदर स्ट्रक्चर जिसको हम रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं, ये सेंट्रियोल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है दिस इज द रिंग सेंट्रियोल, इसका फंक्शन क्लियर नहीं है।
देन एक्सियल फिलामेंट, ये डिस्टल सेंट्रियोल है हमारी, इससे ये एक्सियल फिलामेंट अराइज हो रहा है. यू कैन सी हियर दिस इज द एक्सियल फिलामेंट दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल. सो देयर आर नॉट मेनी चेंजेस व्हिच टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हैप्लॉइड स्पर्म्स बनते हैं फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो कि पहले डिप्लॉयड थे. स्पर्म्स हैप्लॉयड हैं. अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, जिसमें सिर्फ स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है. यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रही है, उसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन हो रही है. और स्पर्मेटोजेनेसिस में कई फेजेस है. फर्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्यूरेशन फेज और डिफरेंशिएशन फेज. नाउ दिस डिफरेंशिएशन फेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ यहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनियम जो है दैट गिव्स राइज टू फोर स्पर्म. और यहाँ पर फोर स्पर्म बनने से पहले वो फोर स्पर्मेटिड बने थे, यानी कि एक स्पर्मेटिड से सिर्फ एक स्पर्म ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है उसकी डिफरेंशिएशन हो रही है, यहाँ कोई डिवीजन नहीं हो रही है. लेकिन वट एवर इट इज, स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ इंपॉर्टेंस है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि स्पर्म्स में हमें पता है कि इट हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो डिप्लॉयड नंबर रिस्टोर हो जाएगा, यानी कि जैसे मेल से हैप्लॉइड गए, जैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में, तो स्पर्म में 23 आ जाएंगे. एंड 23 क्रोमोसोम विल बी इन द फीमेल गैमेट, जिसे हम ओवम बोलते हैं. तो जब दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो दोबारा से डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम का रिस्टोर हो जाएगा. तो यहाँ पर मतलब स्पीशीज का नंबर बना रहता है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिडक्शनल डिवीजन हेयर. दूसरा, मियोसिस वन में क्रॉसिंग ओवर भी होती है, जिसके कारण कुछ वेरिएशन आती है विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल. सो दिस वॉज अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे. थैंक यू.